हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेम शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी आपने इसके पहले प्रीव्यू में मैंने आपको एक इंट्रो का वीडियो दिखाया था, उस तरीके का वीडियो का इंट्रो आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए कैसे बना सकते हैं, उस पर अपना नाम या अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख कर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं दो ऐप्स का यूज़ करूँगा, एक तो है काइन मास्टर और दूसरा है पिक्सल लैब। तो सबसे पहले हम पिक्सल लैब का यूज़ करेंगे। आपको पिक्सल लैब ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको इस टेक्स्ट को एडिट करके यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का नाम या जो भी नेम अपना लिखना चाहते हैं आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। अपना नाम लिखने के बाद आपको यहाँ जो थर्ड नंबर का आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर जाना है। ये इस वाले पर, टेक्स्ट वाले पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको इसका जो पोजीशन है आपको यहाँ से उसका चेंज करना पड़ेगा। आपको इसको एकदम बीच में रखना है, ये ध्यान रहे। तो आपको यहाँ पर आपको रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और इसको सेकंड वाले पर क्लिक करके बीच में आपको एकदम कर देना है। अब आपको इसका फॉन्ट जो है उसको एडिट करना है। तो फॉन्ट एडिट करने के लिए यहाँ पर एक फॉन्ट का ऑप्शन है, इसमें आप बहुत सारे आपको फॉन्ट्स मिल जाएंगे, आप जो भी फॉन्ट चाहते हो चूज़ कर सकते हो। तो मैं जंक 5 का मैं चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद आपको इसका कलर अभी वाइट ही रखना है। फिर आपको ये फोर्थ नंबर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन होगा, आपको इस पर क्लिक करके इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर लेना है। फिर इतना कर लेने के बाद आपको इस पर सेव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी डायमेंशंस इसका डिफ़ॉल्ट पर है आपको अल्ट्रा पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव टू गैलरी पर आपको क्लिक कर देना है। अभी आपके फ़ोन के गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अभी आपको इसको ऐसे ही रहने देना है। आपको इसका जो टेक्स्ट का कलर है, फिर से आपको इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेना है। तो ये सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर देखेंगे तो कलर का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पर आप इसको रेड कलर, या मैं तो रिकमेंड करूँगा रेड कलर ही, या जिस कलर में आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव एज इमेज, उसी की तरह इसको भी आपको सेव कर देना है जैसे इसके पहले वाली इमेज हमने सेव की थी। तो अब ये हमारी इमेज सेव हो चुकी है। अब आपको काइन मास्टर ओपन करना है। अब सब एडिटिंग हम काइन मास्टर ऐप से ही करेंगे। तो काइन मास्टर ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रेशियो सेलेक्ट करना है। तो अगर आप यूट्यूब चैनल के लिए बना रहे हैं इंट्रो, तो आपको 16:9 यहाँ पर चूज़ कर लेना है। इतना कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करके आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको मीडिया पर क्लिक करना है और पिक्सल लैब से अभी जो हमने दो फ़ोटोज़ एक्सपोर्ट की थी, आपको उन दोनों, आपको पहले एक वीडियो को यहाँ पर लाना है, एक फ़ोटो को। उसके बाद यहाँ पर ले आने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको कैप्चर एंड सेव पर क्लिक कर देना है। इतना कर देने के बाद आपको ये वाला जो टेक्स्ट है इसको आपको फिर से डिलीट कर देना है। फिर से आपको मीडिया पर जाना है और जो दूसरा वाला टेक्स्ट था, सॉरी, आपको लेयर में जाके मीडिया पर जाना है। इसका जो दूसरा वाला टेक्स्ट हमने आपको दिखाया था वाइट कलर वाला, पिक्सल लैब में जाना है। ये वाइट कलर वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी आपको उसी तरह कैप्चर एंड सेव कर देना है। अब आपको सब इसमें लेयर और ये जो बैकग्राउंड था आपको सब डिलीट कर देना है। फिर से आपको मीडिया में जाना है और जो कैप्चर था आपको ये दोनों सेलेक्ट कर लेने हैं। सेलेक्ट करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हो कि इसमें एक एनिमेशन सा लगा हुआ है। इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो आपको सेटिंग में जाना है, आपको वीडियो में एडिटिंग में जाना है। एडिटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर फिट इन स्क्रीन पर क्लिक करना है। अब आपको इसको एक बार डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये इसमें एनिमेशन सा आ रहा है। फिर से आपको मीडिया में जाना है और कैप्चर वाले आपको दोनों यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। तो अब आप लोग देख सकते हो किस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको प्लस के आइकन जो बीच में है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ट्रांजिशन इफ़ेक्ट आपको यहाँ पर
सेलेक्ट करना है ब्लेड का। अगर आपके पास ये ब्लेड वाला अभी तक आपने ट्रांजिशन इफ़ेक्ट डाउनलोड नहीं किया है तो आप यहाँ पर नीचे जाओगे, गेट मोर पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं ब्लेड पर क्लिक करता हूँ। अब ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ पहले इतना करके, ये आप लोग देख सकते हो किस तरीके का हो रहा है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का होगा। तो आप इसमें जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो मैं फ़र्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसके ड्यूरेशन को 2-2 सेकंड दोनों तरफ। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके का हमारा इफ़ेक्ट बना हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, कितना प्रोफेशनल इंट्रो आपके चैनल का बन गया है। अब आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है। मैं इसको एक्सपोर्ट करने के बाद भी आपको ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो वीडियो को एक्सपोर्ट हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे का सब दिखाता हूँ। ये हो गया। अब मैं प्ले करके आपको इस वीडियो को दिखा देता हूँ कि ये हमारा कैसे बना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से, कितना प्रोफेशनल इंट्रो आपके चैनल का बन गया है। तो आप भी अपने यूट्यूब चैनल का ऐसा ही इंट्रो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।